सभी निर्दोष हैं ये बात ईशान भी जानता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं जिससे वो ये साबित कर सके कि सभी की कोई गलती नहीं है। और ऐसे में अब ईशान मजबूर हो चुका है और ईशान भी वही कर रहा है जो अक्का और राव चाह रहे थे। उसका दिल बार बार कह रहा है कि सभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। ऐसे में हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर सभी की मदद के लिए कोई और नहीं बल्कि ईशान के पिता यानी शांतनु की वापसी होने वाली है। जहाँ एक तरफ कुछ समय पहले खबर आई थी कि शांतनु ने शो छोड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि अब शांतनु की वापसी होने वाली है, क्योंकि वो और ईशा आकर करने वाले हैं सभी की वापसी। शांतनु हाथ पकड़कर सभी को वापस घर लेकर आएगा। यहाँ पर ईशान को फटकार लगाता नजर आएगा कि वो तुम्हारी पत्नी है और ऐसे में तुम अपनी पत्नी के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें इस बात की शर्म नहीं आई कि तुमने अपनी पत्नी को इस तरीके से गलत समझा? तुम्हें इस बात की शर्म नहीं आई कि तुम्हारी पत्नी अब इस तरीके से चाय की दुकान लगा रही है और तुम आराम से इस घर में रह रहे हो? तुम्हें अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, भले ही यहाँ पर अब देखने को मिले कि भले तुमने कॉलेज के डायरेक्टर होने के नाते सभी को पुलिस के हवाले किया, लेकिन तुम्हारे कुछ फ़र्ज़ पति होने के नाते भी बनते हैं। तुम्हें अपने पति होने के फ़र्ज़ को निभाना चाहिए। तो इस तरीके से शांतनु और ईशा जो है वो फटकार लगाते नज़र आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ईशान को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वाकई में ईशान इस बात को समझ पाएगा कि उसने सभी को गलत समझा? क्या उसे इस बात का एहसास होगा कि उसने सभी के साथ जो कुछ भी किया वो गलत था? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।